सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। मैं उस डरावनी रात को कभी नहीं भूल सकता जिस रात मैंने मेरा सबसे अच्छा दोस्त खो दिया। सूरज पाटिल नाम था उसका। सूरज और मैं बचपन से एक दूसरे के साथ थे, दोस्त कम भाई ज्यादा था वो मेरा। 10वीं कक्षा के बाद हम दोनों ने लातूर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश लिया। हमारे लिए लातूर शहर अनजान था, पर कुछ ही दिनों में हम उस शहर का चप्पा चप्पा जान गए, क्योंकि सूरज और मैं दिन भर शहर में बाइक पर घुमा करते थे। पर एक दिन वही रोज रोज शहर में घूम कर हम बहुत ज्यादा बोर हो चुके थे, इसलिए एक रात हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैसला किया। भाई चल कामे गांव के जंगल में लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, सुना है उस जंगल का रास्ता मक्खन की तरह मुलायम है। हम कामे गांव के जंगल की तरफ कभी नहीं गए थे, पर हमने सिर्फ इतना सुना था कि कामे गांव का जंगल सिर्फ नाम का जंगल है, क्योंकि वहां हरे भरे पेड़ों के सिवाय कुछ नहीं था, क्योंकि उस जंगल में जो भी जंगली जानवर थे वे शिकार के कारण खत्म हो चुके थे, इसलिए रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए वो जंगल एकदम सेफ था। और ऊपर से उस रात पूरनमासी की रात थी, मौसम भी अच्छा था, इसलिए मैं सूरज के साथ कामे गांव जंगल में जाने के लिए राजी हो गया। रात के 11 बजे हम कामे गांव के जंगल में दाखिल हो गए। हमने जैसे सुना था वैसे ही जंगल का रास्ता एकदम मक्खन की तरह मुलायम था। हमारी बाइक हवा से बातें करने लगी थी, वाकई बहुत मजा आ रहा था। पर मुझे इस बात की हैरानी हो रही थी कि हम जंगल के इतने अंदर दाखिल हो चुके थे, पर तब भी हमें रास्ते में एक भी गाड़ी दिखाई ना दी थी। जंगल का पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था। तभी रास्ते में हमें एक पुल दिखाई दिया। सूरज ने उस पुल के बीचों बीच बाइक रोक दी। वो अंग्रेजों द्वारा नदी के ऊपर बनाया गया 100-200 साल पुराना ब्रिज था। पुल के बाजू में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था और उस पर लिखा था सेंट जॉर्ज ब्रिज। हम दोनों पुल पर गए और खड़े हो गए। पुल के नीचे से नदी बह रही थी, पुल से कोमल हवा बह रही थी। पुल के नीचे बहती नदी के पानी में चांद दिखाई दे रहा था। माहौल बहुत खुशगवार था, लेकिन इतने में दूर कहीं जंगल में से एक भेड़िए की रोने की आवाज आई। पुल के ऊपर से बहने वाली हवा अचानक से रुक गई, नदी का पानी अचानक से रुक गया, चांद एक काले बादल के पीछे गायब हो गया। तभी हमारे सर के ऊपर से एक टिटहरी भयंकर आवाज में चीखती हुई मंडराने लगी, मानो वो हमसे कह रही थी कि यहां से जल्दी से भाग जाओ। हमारे महाराष्ट्र में ऐसा माना जाता है कि टिटहरी का चीखना अशुभ घटना का संकेत होता है, और मैं ये अच्छी तरह से जानता था। सूरज मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, टिटहरी का चीखना मतलब कि हमारे चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है, हमें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। अरे भाई कुछ अशुभ नहीं होता, बस ये अंधविश्वास है। टिटहरी के चीखने की वजह उसका गुस्सेल स्वभाव होता है और वही उसकी आवाज भी होती है। अब चुपचाप यहाँ खड़ा रहे और खूबसूरत नजारा देख, सूरज ने मुझसे कहा। तभी मैंने सूरज के पीछे कुछ दूर पुल की रेलिंग के पास एक औरत को खड़े हुए देखा। दूर से तो वो दिखने में सुंदर लग रही थी, पर वो पुल के नीचे झांक रही थी। मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि इतने में वो औरत अपनी चप्पलें उतार कर पुल की रेलिंग पर चढ़ गई। सूरज पीछे देख, वो औरत क्या कर रही है, मैंने सूरज से कहा। सूरज ने पीछे मुड़कर देखा, वो औरत
अभी भी पुल की रेलिंग पर खड़े होकर नीचे देख रही थी। भाई, वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है, सूरज ने मुझसे कहा। खुदकुशी, यह शब्द सुनकर मेरे हाथ पैर डर से कांपने लगे, क्योंकि जब मैं एक बच्चा था तब मेरे दादाजी ने खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी, और वो मैं ही था जिसने उन्हें सबसे पहले फांसी पर लटकते हुए देखा था। ओ, नीचे उतरो, कहते हुए सूरज उस औरत को रोकने के लिए उसकी तरफ भागा, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा, क्योंकि मेरे आंखों के सामने फांसी पर लटकते हुए मेरे दादाजी आ रहे थे। उनकी बाहर निकली हुई आंखें और मुंह में से बाहर निकली हुई जीभ और फांसी पे हवा की वजह से झूलती हुई उनकी लाश, वह सब मेरे आंखों के सामने आ रहा था। ओ चाची, नीचे उतरो, सूरज और जोर से चिल्लाया। सूरज की आवाज सुनकर मैं अपने होश में आया। सूरज उस औरत के बहुत ही करीब जा पहुंचा था, पर तभी वो औरत नदी में कूद गई। तब तक मैं दौड़ते हुए सूरज के पास जा पहुंचा। वो औरत हमारे आंखों के सामने नदी में डूब रही थी और चीख रही थी, वाचवा मलक कोड़ी तरी, वाचवा, वाचवा मलक कोड़ी तरी, मतलब बचाओ, मुझे कोई बचाओ। पर हम सिर्फ उसे डूबते हुए देख रहे थे, क्योंकि हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। वाचवा, ये पुरानो मलक वाचवा, वो औरत डूबते हुए हमारी तरफ देखकर चीखने लगी और मदद के लिए गुहार लगाई। उसकी दर्द भरी चीखें सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे, पर तभी सूरज ने उसका टी शर्ट उतार कर मेरे मुंह पर दे मारा और पुल के रेलिंग पर चढ़ गया। रुक जा सूरज, मैं तुम्हें नदी में कूदने नहीं दूंगा, मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। मुझे छोड़, मैं उस औरत को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, उसने मुझसे कहा, और मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर वो भी नदी में कूद गया। सूरज नदी में कूदते ही उसने अपने आस पास देखा, पर उसे वो औरत कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने सोचा कि वो डूब चुकी होगी, इसलिए उसने गहरी सांसें ली और पानी के अंदर डुबकी लगाई। कुछ देर बाद वो नदी के सतह पर आया। मिली क्या, मैंने चिल्लाकर उसे पूछा। नहीं, सूरज पानी में से चिल्लाकर मुझे बोला, और उसने फिर एक बार गहरी सांस ली और नदी में डुबकी लगाई। देवा सापड़ू तेरे ती भाई, मैंने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की, और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी दाहिनी ओर कोई है। मैंने झट से दाहिनी ओर देखा और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरे बगल में ही पुल की रेलिंग पर वही औरत बैठी थी जो कुछ देर पहले नदी में कूद गई थी। वो किसी जंगली जानवर की तरह पुल के रेलिंग पर बैठी हुई थी और नदी में सूरज की तरफ देख रही थी। हाई कैसे शक क्या है, ये औरत तो अभी अभी नदी में कूद गई थी और मैंने खुद इसे नदी के पानी में डूबते हुए देखा था, तो ये अचानक से वापस इस पुल पर कैसे आ पहुंची, मैं मन ही मन सोच रहा था। पर तभी मेरी आंखें खुली और मैं समझ गया कि ये कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, और मैं डर के मारे कांपने लगा। सूरज, मैं डर के मारे जोर से चिल्लाया। तभी उस चुड़ैल ने मेरी तरफ देखा, और जैसे उसने मेरी तरफ देखा मैं सिर से पैर तक कांपने लगा। उसका चेहरा काला और आंखें पीली थी, माथे पर बड़ा सा कुमकुम था और नाक में बड़ी सी नथ थी। उसके नुकीले दांत उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे और उसके नाखून जंगली जानवर की तरह लंबे और नुकीले थे। क्या हुआ, मुझे ढूंढ रहे हो, उस चुड़ैल ने मुझसे पूछा, और डर के मारे मेरा गस्सा सूख गया। सूरज हड़ाल, मैं फिर से चिल्लाया, और मैंने पुल से नीचे नदी में देखा। सूरज पानी की सतह से हमें घूर रहा था। उसे भी पता चल चुका था कि वह कोई औरत नहीं, एक महिला नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। सूरज हमें चौड़ी आंखों से देख रहा था। मैंने सोचा कि यह चुड़ैल अब मुझे इसी पुल पर चीर फाड़ कर मार देगी और फिर मेरे कच्चे मांस को चबा चबा कर खा जाएगी, क्योंकि मैं अकेले ही उसकी पकड़ में आ गया था, और डर के मारे मैंने अपने पेंट में पेशाब कर दिया। डरो मत, मैं तुम्हें नहीं, उसे अपने साथ नदी में ले जा रही हूँ। Mm-hmm.
उसने मुझे नदी में तैरते सूरज की ओर इशारा करते हुए कहा। जब मैंने ये सुना तो मेरा दिल डर से दहल उठा। वो पानी में सूरज को अपने साथ ले जा रही थी। सूरज, जल्दी से पानी से बाहर निकलो, नहीं तो ये चुड़ैल तुम्हें नदी के पानी में ले जाएगी, मैंने सूरज से चिल्लाते हुए कहा। ये सुनकर सूरज पानी में ठहर गया। उसके हाथ पांव सुन पड़ गए। उसे एहसास हो गया था कि वह नदी में से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वह नदी के बीचों बीच था। वह काफी डर गया था। भाई, मुझे बचाओ, सूरज ने मुझसे विनती की। ये सुनकर चुड़ैल मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और उसने पुल से सूरज पर छलांग लगा दी। धीरज, सूरज आखिरी बार चिल्लाया और वो चुड़ैल उसे पानी के अंदर ले गई। कुछ देर तक पानी में से बुलबुले निकलते रहे, पर कुछ देर बाद वो भी बंद हो गए। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर नदी के पानी में देख रहा था और सूरज को पुकारता रहा, पर इतने में मुझे नदी के पानी में खून दिखाई दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं समझ गया कि उस चुड़ैल ने सूरज को मार दिया है। मैं वो सदमा बर्दाश्त ना कर सका। मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया और मैं उसी जगह पर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब सुबह हो चुकी थी। मैं 4-5 लोगों से घिरा हुआ था। पुल पर काफी सारी लोगों की भीड़ जमी हुई थी। लोग पुल के नीचे झांक कर देख रहे थे। मैं उठकर पुल के पास गया और देखा कि नदी के किनारे पानी में सूरज की लाश तैर रही थी। उस चुड़ैल ने बड़ी ही बेदर्दी से उसके सीने से दिल निकाल लिया था। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया था। उस दिन मुझे कामे गांव के लोगों से पता चला कि वो उस नदी में 100-200 साल पहले से ही एक चुड़ैल का वास था। असल में हुआ ये था कि अंग्रेजों के जमाने में एक अंग्रेज अफसर ने सुंदरा नाम के एक औरत का बलात्कार किया था। ये बात आसपास के सब गांव में फैल गई थी। इसी कारण सुंदरा से गांव की कोई भी औरत बात नहीं करती थी, क्योंकि सब लोग कहते थे कि उसकी पवित्रता नष्ट हो चुकी है, अब वो अपवित्र हो गई है। गांव के लोग उसे हर दिन ताने मारते थे। कुछ दिन बाद सुंदरा के पति ने भी उसे छोड़ दिया। तब सुंदरा अपने मायके चली आई। कामे गांव ही उसका मायके था, पर वहां भी उसे बहुत सारी बेइज्जती झेलनी पड़ी। वो लोगों के हर रोज के ताने सुनकर तंग आ गई थी। इसी वजह से एक दिन पूर्णमासी की रात सुंदरा ने कामे गांव के सेंट जॉर्ज ब्रिज से नदी में कूद कर खुदकुशी की। मरने के बाद वो चुड़ैल बन गई। हर पूर्णमासी की रात सुंदरा सेंट जॉर्ज ब्रिज पर आती थी और लोगों को इसी तरह कपट से अपना शिकार बनाती थी। जब आसपास के गांव में ये खबर फैल गई कि कामे गांव के सेंट जॉर्ज ब्रिज पर चुड़ैल का वास है, तो लोगों ने रात को सेंट जॉर्ज ब्रिज की तरफ जाना छोड़ दिया। पर जिन लोगों को ये मालूम नहीं था वो सुंदरा का शिकार हो गए। कामे गांव के कुछ बुजुर्ग लोग ये भी कहते हैं कि 100 पुरुष हो या लड़कों के दिल खाने के बाद वह चुड़ैल फिर से खूबसूरत जिंदा औरत बनने वाली थी, इसलिए वह सिर्फ पुरुषों और लड़कों को अपना शिकार बनाती थी और उनका दिल कच्चा चबा जाती थी। सूरज के मरने के बाद कामे गांव के सेंट जॉर्ज ब्रिज पर कभी भी वो चुड़ैल दिखाई नहीं दी। इसीलिए कामे गांव के लोग कहते हैं कि मेरा दोस्त सूरज उस चुड़ैल का 100वां और आखिरी शिकार था और उसके बाद वो जिंदा सुंदर स्त्री बन गई और अभी किसी आदमी के साथ वो एक सामान्य जीवन जी रही होगी। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।